नमस्कार, सत श्री अकाल। वजाइना जब ड्राई होता है, एक तरह का जो वाइट कलर का जो लिक्विड होता है, वाइट डिस्चार्ज इज डिफरेंट थिंग। उसमें कंफ्यूज मत होना, वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी अलग चीज़ है। एक जो वजाइना जब मॉइस्ट होता है, जब लुब्रिकेट होता है ड्यूरिंग सेक्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो होता है लुब्रिकेशन। अभी क्यों होता है? वजाइना जब लुब्रिकेट करता है, कुछ अल्कलीन एनवायरनमेंट होते हैं जो स्पर्म को सर्वाइव करने में एंड ड्यूरिंग इंटीमेशन और ड्यूरिंग सेक्स और जो प्रोडक्शन होता है पॉपुलेशन बढ़ाने वाला, उसमें हेल्प करता है ना। सॉरी फॉर दैट। इसीलिए वजाइना हमेशा लुब्रिकेट रहना बहुत अच्छी बात है। बट कभी कभी किसी किसी वजह से ड्राई हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या क्या चीज़ें होती है ड्राई होने के बाद में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन टू वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वजाइना इन केस अगर ड्राई हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, एक तरह का सेक्स करते समय जब पेनिस अंदर जाता है वजाइना के, तो जब अगर यार सीधी बात है, वजाइना अगर ड्राई होगा तो अंदर जाएगा कैसे? तो उस केसेस में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, एक तरह का जलन जैसा महसूस होता है। सेकंड, उसमें होता है लॉस ऑफ सेक्स इंटरेस्ट, सेक्स का जो इंटरेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है? बर्निंग होगा, वजाइना ड्राई होगा, तो उस केस में सेक्सुअल जो हमारा सेक्स का जो क्या बोलते हैं, एक तरह का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा सेक्स करने में, क्योंकि बर्निंग हो रहा है और एक तरह का वजाइना लुब्रिकेट नहीं कर रहा है। तो क्लाइटोरिस के ऊपर रब करके ये करके, दैट इज़ डिफरेंट, आप कर सकते हो मैन्युअली। बट देन टू अगर किसी किसी का हमेशा ड्राई रहता है तो क्या करना चाहिए उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया, बर्निंग होता है, देन लॉस ऑफ सेक्स इंटरेस्ट होता है, और हल्की आपको ब्लीडिंग भी दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? आप पर्पजली पेनिस को अंदर पेनिट्रेट करोगे वजाइना के, तो सीधी बात है अगर ड्राई होगा तो हल्की फुल्की एक तरह का लेयर जैसा हल्का ब्लीडिंग भी आ सकता है, क्योंकि वजाइना ड्राई है और वजाइना ड्राई है, लुब्रिकेट नहीं हो रहा है, हम सेक्सुअल पर्पजली कर रहे हैं नहीं हो रहा है, कुछ आपने लोशन वोशन लगाया नहीं है, कॉन्डम का यूज़ किया नहीं है, तो उसके वजह से क्या होगा? ड्राई होगा और ड्राई होने की वजह से हल्का आपको ब्लीडिंग दिख सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है। देन पेन तो सीधी बात है यार, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेन तो बना रहता है। एक तरह का जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो फिसलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फिसलती नहीं, वहीं के वहीं रुक जाती है, तो पेन तो बना होता है। देन कभी कभी दोस्तों होता क्या, वजाइना ड्राइनेस रहता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? कुछ कुछ केसेस में यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जैसे पेशाब में कुछ इन्फेक्शन हुआ, यूरिन में हल्की येलो कलर की है, देन जैसे मैंने बताया पेशाब में इन्फेक्शन होगा, पेशाब खुल के नहीं होगा, येलो कलर का होगा, देन उस केसेस में यूटीआई इन्फेक्शन होता है। कभी कभी किसी किसी केसेस में वाइट डिस्चार्जेस भी रहते हैं, उस केसेस में भी वजाइना लुब्रिकेट नहीं करता है, तो यूटीआई इन्फेक्शन जैसे हमने बताया। और अगर वजाइना ड्राई होगा तो एक तरह का ईचिंग, एक तरह का खुजली भी बनी रहेगी वजाइना के आउटर पार्ट पे, जो लेबिया मेजोरा देन लेबिया मिनोरा जो लेयर्स होते हैं उसमें एक तरह की खुजलाहटपन, एक तरह का ईचिंग, एक तरह का डिसकम्फर्ट बना होता है। एंड इन जो वजाइना का जो लेयर होता है अंदर की तरफ, वहाँ पर भी हल्की फुल्की आपको ईचिंग वगैरह दिख सकती है, महसूस हो सकती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये सब इफेक्ट होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वजाइना अगर ड्राई होता है तो। अब माना ऐसा जाता है कि हॉर्मोन्स के इनबैलेंस होने के वजह से होता है, सीधी बात है हॉर्मोन्स का इनबैलेंस होता है तो वजाइना ड्राइनेस होता है। अब हॉर्मोन्स का इनबैलेंस क्यों होता है? एस्ट्रोजन का लेवल कम क्यों होता है? क्यों होता है बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है? स्मोकिंग, जो फीमेल्स ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, सिगरेट ज़्यादा पीती हैं, चूल्हा ज़्यादा फेंकती हैं, सिगार वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, स्मोकिंग के वजह से वजाइना ड्राइनेस रहता है। देन सेकेंड, डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सिगरेट, डिप्रेशन, ऑफिस का टेंशन, घर का लोड, खाना बनाना, ये बनाना, बॉस का प्रेशर, ये मैंने कहीं ऐड में सुना था बॉस का प्रेशर, तो मैंने यहाँ पे उसको यूज़ किया।
सीधी बात है, आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, टेंशन, डिप्रेशन होना, डिप्रेशन होने के बाद में लॉज ऑफ सेक्सुअल, जैसे मैंने बताया सेक्स इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस रह सकता है। देन उसके बाद में देखेंगे अगर जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जो फीमेल्स इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस केसेस में भी वजाइनल ड्राइनेस महसूस हो सकता है। इंटेंस वर्कआउट का मतलब पूरा बॉडी से स्वेटिंग होना, बार होना, बट वजाइना जो है वो ड्राई रहता है। देन कुछ कुछ केसेस में कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से भी वजाइना ड्राई रहता है। देन कभी कभी जो होता है इनकेस अगर किसी को ओवरीज का ऑपरेशन हुआ हो या ओवरीज रिमूवल ऑफ ओवरीज निकाल दी गई हो, उस केसेस में भी वजाइना लुब्रिकेट नहीं करता और एक तरह का ड्राइनेस वाली फीलिंग बनी रहती है। तो इफेक्ट हो गया, देन इफेक्ट वजाइना ड्राइनेस होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एंड उसके कॉज, एस्ट्रोजन जो लेवल होता है हार्मोन्स का, हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से वजाइना ड्राई होता है। लेकिन हार्मोन्स का जो एस्ट्रोजन का इनबैलेंस होता है, कम होता है, वो क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया, कॉज क्या है। देन सिगरेट, डिप्रेशन, इंटेंस एक्सरसाइज, कैंसर ट्रीटमेंट, देन रिमूवल ऑफ ओवरीज, ये सारे इसके कॉज हो गए। अब बात करते हैं क्यों होता है ये। कुछ कुछ चीज़ें मैं मिस कर दिया एक्चुअली। लोगों का मानना ये है आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर 45 साल की उम्र हो जाए, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उस केसेस में वजाइना ड्राई रहता है। हाँ रहता है, सीधी बात है। आप ये जाहिर सी बात है, जो महिलाएं 45 एंड अबो हैं उनसे पूछ सकते हैं, उस केसेस में ड्राई रहता है। बट अगर पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को, उस केसेस में भी ड्राई होता है। वो क्यों होता है अब आप बोलोगे, जैसा मैंने बताया आफ्टर 45 ड्राई तो रहता है, साथ में पीरियड्स ख़त्म होने के बाद एक या दो दिन, तीन दिन, जब कभी भी, उस केसेस में भी वजाइना ड्राई होता है। तो ये सारे जो मैंने बताया कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो आते हैं आफ्टर 45 साल की उम्र में भी ड्राई होते हैं एंड जिसको पीरियड्स आते हैं उसमें भी ड्राई रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मेनोपॉजल सिम्टम्स वाली फीमेल को का ही वजाइना ड्राई रहता है, पीरियड्स जिसको आते हैं उसका भी ड्राई रहता है। तो क्या करना चाहिए, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, अभी सुनोगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ, अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊँगा तो यार वो एक तरह का लय होता है, एक तरह का जो फ्लो होता है वो टूट जाएगा। इफेक्ट मैंने बताया, कॉज मैंने बताया, देन कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स जो एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था वो भी मैंने कवर किया। देन दोस्तों इसमें होता क्या है, कुछ ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर होम रेमेडीज देखेंगे इसके। कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरह का होम रेमेडी ही हुआ। अगर हम पानी कम पीते हैं, हमारा पानी का जो लेवल है शरीर में कम हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से भी वजाइना ड्राई रहता है एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन होता है, बर्निंग होता है, ब्लीडिंग आता है, कभी कभी इचिंग भी रहता है एंड कभी कभी स्किन में एक तरह का सूजन, स्वेलिंग भी दिखता है इनसाइड द वजाइना एंड आउटर स्किन पे भी। तो इसे बचने के लिए क्या करेंगे, क्या होम रेमेडी है, क्या उपाय है, कम से कम 3 लीटर्स वाटर, कम से कम 3 या 4 लीटर पानी आपको पीना ही है। आपका शरीर हाइड्रेटेड होगा तो सीधी सी बात है वजाइना भी लुब्रिकेट करेगा एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो क्या करना है, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। देन सेकेंड, पैड्स जो आप डेट्स में जब पीरियड होते हैं जो पैड्स यूज़ करते हैं, आप ध्यान रखें कि कोई लोकल पैड ना यूज़ करें। लोकल पैड के वजह से होता क्या है दोस्तों, वजाइना ड्राई होता है। देन कभी कभी अगर पैड लोकल्स होंगे तो उसमें इचिंग, बर्निंग सेंसेशन बनी होती है, क्योंकि सीधी बात है चीज़ें सस्ती है तो थोड़ा उससे आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पैड यूज़ करते हो तो उससे आपको ड्राइनेस नहीं होगा, देन इचिंग सेंसेशन वगैरह बनी नहीं रहेगी। तो जैसा मैंने बताया, 2 ट्रीटमेंट, 3 लीटर पानी, देन सेकंड पैड थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है एंड अच्छी कंपनी का यूज़ करते हो देन वेल एंड गुड। देन थर्ड, ये एक सैंपल रखा था यहीं पर, लकीली मिल गया, इंटी वॉश। ये तो कोई यहाँ पे सैंपल पड़ा था तो इसे मैंने बता दिया। कोई भी ब्रांड का आप इंटी वॉश, वजाइनल वॉश यूज़ कर सकते हो बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर ज़्यादा टाइम ऐसा लगता है कि हमेशा आपका ड्राई होता है वजाइना,
सेक्स के दौरान, तो आप 2 से 3 या हफ्ते भर 10 दिन तक सुबह शाम नहाने के बाद थोड़ा एंटी वॉश से अंदर स्किन पे आप हाथ से उंगली से लगा सकते हो या फिर रात में लगा सकते हो। 2 बार कंटिन्यू आप 7 से 7 से 10 दिन लगाओगे तो सीधी बात हो, जो वजाइना का ड्राइनेस रहेगा वो कम हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बिफोर हाफ एन आवर आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक तरह का जो जो ड्रायर नहीं होता है, सॉरी जो लुब्रिकेट नहीं होता है बजाना, इससे लुब्रिकेट भी होगा और एक तरह का मॉइस्ट स्किन बनी होगी अंदर। तो आप कोई भी कंपनी का वजाइनल वॉश, बी वॉश, इंटी वॉश, क्या क्या वॉश यूज़ कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। तो पैड्स का ध्यान देना है, 3 लीटर पानी पीना है, देन कोई भी आप वजाइनल वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हेयर्स का ग्रोथ ज़्यादा है तो भी आप उसको क्लीन कीजिए ताकि थोड़ा सा हाइजीनिक रहे। गंदगी की वजह से भी कभी कभी वजाइना ड्राई लुब्रिकेट नहीं करता और एक तरह का उसमें ड्राइनेस वाली फीलिंग रहती है, तो उसको हमेशा हेयर्स वगैरह रिमूव कर लिया करें और थोड़ा सा क्लीनिंग क्लीन रखा करें। ये रही बात मेडिसिन से रिलेटेड, देन आगे होम रेमेडीज़ की बात करेंगे। पेशेंट आ गए थे इसीलिए वीडियो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, अभी आई एम ऑल राइट। तो होम रेमेडीज़ की बात करेंगे। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसा मेरे पेशेंट ने अभी बताया। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, होम रेमेडीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलोवेरा जो जेल होता है उसको मैन्युअली आप वजाइना का जो लेयर होता है उस पर आप लगा सकते हैं फीमेल्स के लिए। उस पर लगाने की वजह से होगा क्या, वजाइना का सॉरी एलोवेरा जेल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप मैन्युअली वजाइना के लेयर पे उसको लगाइए हल्के हाथों, अंदर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लुब्रिकेट रहेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अच्छी वाली फीलिंग आएगी। तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। देन सेकंड मैं रिकमेंड करता हूँ देसी घी का। अगर देसी घी कब यूज़ करेंगे वजाइना के लेयर पे इनसाइड आउटसाइड लगाएंगे तो भी वजाइना लुब्रिकेट रहेगा। इवियन का जो कैप्सूल होता है उसमें भी एक तरह का स्टिकी, एक तरह का चिकनाहट तरह का पदार्थ होता है, हम उसको बालों में लगाते हैं एज अ हेयर ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम उसको फेस पे लगाते हैं, हमारे फेस में जो एक तरह के पोर्स हमारे ब्लैक हो गए हैं, क्लियर नहीं है, एक तरह का चेहरा डल हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक तरह के चेहरे पे ग्लो लाने के लिए यूज़ करते हैं। उस ठीक उसी तरह इवियन कैप्सूल को कट करके उसका जो इस लोशन होता है वो आप वजाइना पे इनसाइड लगाएंगे तो भी वजाइना लुब्रिकेट होगा। देन सेकंड आप उसको डायरेक्टली इनटेक कर सकते हो, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। देन उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सबके घर में होता है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हो एज अ वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी। पहला ये सब होम रेमेडी ट्राई कीजिए, एलोवेरा जेल, देसी घी, देन सेकंड विटामिन ई, देन फोर्थ कोकोनट ऑयल। ये चारों चीज़ का सब एक साथ नहीं यूज़ करना है, जो घर पे अवेलेबल हो वही यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि चारों एक साथ लगा दिए। कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वजाइनल ड्राइनेस। ऑयल का यूज़ कीजिए ड्यूरिंग सेक्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर हमेशा ड्राई होता जो जैसे मैंने बताया मॉर्निंग एंड इवनिंग यूज़ कीजिए। विद इन 7-10 डेज वजाइनल ड्राइनेस की जो दिक्कत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये यूज़ करके देखिए होम रेमेडीज़। अगर देन टू आपको ये सब इतनी चीज़ें करने के बाद ही प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पर्सनली, आशा करता हूँ वहाँ आपका आप रिप्लाई दूंगा। नहीं आता है तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, खाली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो भी मैं फ्री हो जाऊँगा, तो डेफिनेटली मैं मैसेज देख के आपके क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, उसका मैं आंसर दे दूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। कुछ और डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमेशा की तरह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। और अभी इसका जो टेम्परेचर हो चुका है नॉर्मल है,
98 है, सैमसंग के मोबाइल बहुत हीट करते हैं, ऑलमोस्ट एक घंटे से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैंने सोचा नोट कर लेता हूँ। पॉकेट में रखने के बाद एक तरह का गरम गरम लगता है यार। चलो ऑलमोस्ट 11 हो गए, मेरा भी क्लिनिक शटडाउन करने का, बंद करने का टाइम हो चुका है, तो खाना खाओ मजे करो।